हेलो एवरीवन, स्टडी कीड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। जनरल पब्लिक के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने ये बताया था कि पैसेंजर को अगर वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो किन किन बातों का उनको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हमारे उन डाउट्स पे, उन क्वेश्चंस पे। एक आपने बोर्डिंग स्टेशन का नाम सुना होगा। जब भी आप टिकट बुक करते हो तो बोर्डिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि आप बैठने कहाँ से वाले हो। तो अभी सोचने वाली बात है कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हो, जहाँ से बुक कर रहे हो वहीं से बैठोगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, टिकट कंफर्म मिले इसका एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर मान लो आपकी ट्रेन दिल्ली से चल रही है, बट आप दिल्ली से ना बैठ के आप दिल्ली के 7वें 8वें 9वें स्टेशन बोले तो दिल्ली के बाद क्या बोलेंगे, पर आगरा से बैठने वाले हो, ठीक है, और वो ट्रेन दिल्ली से चल के मुंबई तक जाती है। आपने चेक किया कि दिल्ली से लेके मुंबई तक की तो 10 सीट अवेलेबल है, लेकिन जब आगरा से मुंबई चेक कर रहे हो तो वेटिंग में दिखा रहा है, लेकिन आपको ट्रैवल कंफर्म करना है, तो आप क्या करोगे, आप टिकट की बुकिंग कहाँ से करोगे, दिल्ली से करोगे, और जाओगे कहाँ तक, मुंबई तक, लेकिन आपको बोर्डिंग कहाँ से करना पड़ेगा, आगरा से। तो बोर्डिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल जो टीसी है उनको HHT दिया जाता है, बोलते हैंड हैंडल टैबलेट, उसके अंदर उनको अटेंडेंस लगानी पड़ती है कि आदमी आया है या नहीं आया। तो अगर आपने बोर्डिंग स्टेशन नहीं डाला होगा तो वो क्या करेंगे, आपको एबसेंट डाल देंगे, और अगर आपसे एबसेंट डाल दिया तो याद रखना आपकी वो टिकट जो ISC रहेगा उसको अलॉट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर आप विदाउट टिकट ट्रैवल करोगे। अगर आप बाद में आते हो तो आपको TC सीट नहीं देगा, हो सकता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख के आपको ये बोलते हैं कि सर आप ट्रैवल कर लो, मैं आपको रोक टोक नहीं करूंगा, बट मैं आपको सीट अलॉट नहीं कर सकता बिकॉज आपने बोर्डिंग स्टेशन सही नहीं डाला। और याद रखना जो बोर्डिंग स्टेशन है वो चार्ट बनने से पहले तक आप चेंज कर सकते हो, एक बार अगर चार्ट बन गया तो उसके बाद आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन आता है डोरमेट्री को लेके कि डोरमेट्री कब बुक कर सकते हैं। जब तक आपके पास कंफर्म सीट नहीं होगी तब तक आप डॉर्मेटरी बुक नहीं कर सकते। डॉर्मेटरी आप बोर्डिंग स्टेशन पे भी बुक कर सकते हो और डी बोर्डिंग स्टेशन पे भी बुक कर सकते हो। यूजुअली लोग डी बोर्डिंग स्टेशन पे बुक करते हैं, बट कई लोग बोलेंगे यार बोर्डिंग स्टेशन तो मेरा घर रहेगा ना, वहाँ पे बुक क्यों करूंगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप ट्रेन पकड़ने वाले हो दिल्ली से और आपका घर 3-4 घंटे की दूरी पे है, आप बस से आए हो कहाँ पे, दिल्ली आ गए, और ट्रेन आपकी रात को 2 बजे है, और आप बोलोगे यार रात को कौन बैठेगा, मैं एक डोरमेट्री बुक कर सकता हूँ, कर देता हूँ, तो आप बोर्डिंग स्टेशन पे क्या करोगे, डोरमेट्री बुक करोगे। तो डोरमेट्री जो होता है वो आप रेलवे की वेबसाइट जो है वहाँ से जाके बुक कर सकते हो, बट हाँ आपके पास कंफर्म सीट होनी चाहिए तभी आप डोरमेट्री बुक कर सकते हो, डोरमेट्री सिंगल रूम डबल रूम जो भी उस स्टेशन पे अवेलेबल है वो। अब एक क्वेश्चन आता है कि तबीयत खराब होने पे या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम किन किन फैसिलिटीज को यूज़ कर सकते हैं। तो रेल मदद से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। गूगल पे सर्च मारोगे रेल मदद तो उसकी एप्लीकेशन भी आती है, वेबसाइट भी आती है, PNR मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट बना के रखा हुआ है उसके ऊपर। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप 139 पे कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हो। अगर आपकी तबीयत खराब है तो जो मेजर स्टेशन हैं वहाँ पर कोई ना कोई आदमी आएगा, कोई डॉक्टर आएगा जो आपको ट्रीट करेगा, आपको रिक्वायर्ड मेडिसिन देगा। तो कभी भी अगर ऐसी फ्यूचर में समस्या आती है तो आप रेल मदद नहीं तो 139 जो हेल्पलाइन है उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब अगला जो क्वेश्चन है ना वो दो टाइप के लोगों के लिए है। एक वो जो बहुत रईस हैं, आज तक रेलवे में ट्रैवल किया ही नहीं या जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकंड टाइप के लोग वो हैं जो अभी जॉब में लगे हैं, इससे पहले वो हमेशा स्लीपर में ही गए हैं या कभी फैमिली के साथ AC में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो थर्ड AC और सेकंड AC में क्या फ़र्क होता है या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले तो AC मिलता है। सेकंड चीज़, अगर आप AC के अंदर मतलब थर्ड AC या सेकंड AC में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वो 2 बेडशीट्स, 1 पिल्लो और 1 ब्लैंकेट और 1 हैंड टॉवल ये आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप AC के अंदर हो तो आप अपने साथ में ये सब चीज़ आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको थर्ड AC और सेकंड AC के अंदर मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लान करो तो इतना आप लगेज अपना कम कर सकते हो। जब बात जनरल इन्फॉर्मेशन की चल रही है तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हमारी एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है स्टडी कीड़ा। आप उसको जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप LDC, GDC या उसके अलावा डेप्यूटेशन पे जाना चाहते हैं तो आप उसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जब इतनी सारी एप्लीकेशन है तो एक काम की एप्लीकेशन भी लिख लो, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। आप जाइए डाउनलोड कीजिए, कुछ पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए वापस से टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हो तो क्या चांसेस है, किस हिसाब से आप पे फाइन लगेगा। देखो, विदाउट टिकट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 2 तरीके हैं आप पे फाइन लगने के। देखो, चार्जेस तो रेलवे बहुत लगा सकता है, जिस जगह पे जिस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो उसका 6 गुना तक TT को पावर दे रखी है वो चार्ज करने की। बट यूजुअली TT क्या करते हैं, जहाँ से आपको वो पकड़ते हैं उससे पीछे का जो मेजर स्टेशन रहता है वहाँ से लेके और जहाँ तक वो ट्रेन जा रही होती है या जहाँ तक आप बोलते हो वहाँ तक वो आपकी टिकट काटेंगे जो ओरिजिनल फेयर है,
उसके ऊपर आपकी क्लास के हिसाब से, स्लीपर क्लास में हो तो उसका 250 के आसपास है, सेकंड एसी थर्ड एसी में हो तो उसका चार्जेस ज़्यादा है, वो मर्ज करके आपको वो एक स्लिप बना के दे देंगे। इस केस के अंदर आपको टिकट तो मिल जाएगी बट आपको कंफर्म सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। पहली बात तो आपको मिलेगी नहीं, अगर अवेलेबल रहेगी तो आपको बोल देंगे, बट हाँ वो आपको बोल देंगे आप ट्रेवल कर सकते हो बट सीट मेरे से मत मांगना। एक ऑप्शन क्या है, अगर आपने जनरल टिकट ले रखी है ठीक है, तो एक आपके पास प्रूफ रहता है कि देखो मैं जनरल टिकट में हूँ, आप मेरी सीट को अपग्रेड कर दो, तो वो क्या करेंगे जितना आपने जनरल टिकट में पैसा पे किया हुआ है और जिस भी क्लास में आप ट्रेवल कर रहे हो उनका जो डिफरेंस रहेगा वो आपसे चार्ज लेंगे, और वो चार्ज लेके आपका वो एक टिकट बना देते हैं। इससे वो क्या होता है, कन्फर्म भी हो जाता है कि आपने बोर्डिंग कहाँ से की है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो एक सुपर एक्सप्रेस की या सुपर फास्ट की एक टिकट जरूर अपने साथ मिले, उससे पता रहता है कि आपने ट्रेन बोर्ड कहाँ से की है, वरना वो जहाँ से ट्रेन चल रही है वहाँ से आपको मान के फाइन काट सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितने दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते हो, तो जिस भी डेट को आपको ट्रैवल करना है उससे 120 डेज पहले तक आपकी विंडो ओपन हो जाती है और आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। तो यूजुअली इसका यूज़ जो है वो लोग दिवाली और छठ के अंदर करते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड तभी रहती है। तो अगर मान लो 1 नवंबर की दिवाली है तो उससे 3 महीने पहले, मतलब लगभग 3 महीने पहले जो भी डेट आएगी आप उसके अंदर बुकिंग कर सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि अगर बच्चा हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है तो क्या चीज़, क्या रूल है उसके, तो 3 ही रूल है उसके। पहला तो ये है कि अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी कोई टिकट लगती नहीं है, कोई बर्थ भी मिलती नहीं है। अगर 5 से 12 तक का है तो अगर आपने हाफ फेयर दिया है, मतलब अगर मान लो 1000 की टिकट अगर आपने 500 दी है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन आपका जो बेबी है, आपका जो बच्चा है वो ट्रैवल कर सकता है। और उस केस के अंदर NOSB गेट्स टिकट पे लिखा हुआ आता है, मतलब नो सीट बर्थ उसकी फुल फॉर्म रहती है, क्या है मतलब है, लेकिन ये मतलब रहता है, ये लिखा हुआ आएगा। बट अगर आप फुल फेयर पे करते हो 5 से 12 के बीच में तो आपको सीट मिलेगी। मतलब मान लो 11 साल का बच्चा है लेकिन 11 साल का नहीं 17 साल के बराबर चौड़ा है और साथ में नहीं सुला सकते, तो उस केस के अंदर आपको फुल सीट बुक करनी पड़ेगी और आपको पैसे पूरे पे करने पड़ेंगे। और तीसरा ये कि अगर 12 साल से ऊपर है तो उसकी फुल फेयर फुल टिकट लगती है और आपको पैसे पे करने ही पड़ेंगे, और 12 साल से ऊपर अगर वो है तो टिकट लेके ही जाएं, अपने 15 साल के बच्चे को छोटा करके ना दिखाएं, ठीक है। एक रेलवे की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन कौन सी है जो जनरल पब्लिक के काम की है, तो याद रखना पहली एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है IRCTC। इसके अंदर लगभग सारे काम हो जाते हैं, चाहे टिकट बुक करनी हो ठीक है, चाहे आपको रिटायरमेंट बुक करना हो, चाहे आपको खाना ऑर्डर करना हो, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो UTS की। अगर आप जनरल टिकट ट्रैवल कर रहे हो, जनरल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो UTS को हम यूज़ करते हैं। UTS के अंदर उसमें एक रूल रहता है याद रखना, UTS में आपको अगर टिकट बुकिंग करनी है तो आप स्टेशन के बाहर अगर खड़े हो या रेलवे प्लेटफॉर्म जो है, सॉरी पटरी जो है, अगर आप उससे दूर हो तभी आप उसमें बुकिंग कर सकते हो। वो क्यों ऐसा उन्होंने बना रखा है, GPS आपको ऑन करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर मान लो उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो लोग क्या करते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं ठीक है, बैठ गए दिल्ली से आगरा जाना है, जनरल ट्रेन में बैठ गए, अब बैठ के अब दूर से देख रहे हैं कि TC आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूर से दिख गया, जैसे दिखा 10 स्टेशन निकल चुके हैं, 11वें स्टेशन से बुकिंग कर ली, और दिखा देंगे सर ये देख लो हमने तो बुकिंग कर रखी है, हम तो पिछले स्टेशन से बैठे हैं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए रेलवे क्या करता है, आपको पटरी अगर आप मतलब ट्रैक के अगर ऊपर हो या उसके आसपास हो तो आप बुकिंग नहीं कर पाओगे, ट्रैक से आपको दूर होना जरूरी है, और UTS में आप टिकट बुकिंग कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है अपनी NTES, इसके अंदर आप किसी भी ट्रेन का रनिंग स्टेटस और बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर मिलती हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये 3 एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, UTS, NTES और एक IRCTC, ठीक है। IRCTC का अकाउंट आप खुद का बनाओ और हो सके तो खुद की ही टिकट बुक करो। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अगर आपने ट्रैवल किया है, TDR फाइल करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसके अंदर 7 से 8 हज़ार जैसे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। स्टडी कीड़ा डिस्कशन ग्रुप का क्या नाम है उसका, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन भी है, उसका लिंक भी हमने दिया हुआ है, वो भी आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, धन्यवाद।